वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज डेट है 17th ऑफ नवंबर 21। दोस्तों, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं लास्ट क्लास का हल्का सा रिवीजन, और आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स के बारे में बात किया था। और आप में से क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है टोटल रिजर्व्स हमारे कोर्स में कितने हैं? मैंने लास्ट क्लास में लिस्ट लिखवाई थी बेटा, टोटल कितने रिजर्व्स हैं हमारी क्लास, हमारी 12th क्लास के अंदर? जी बिल्कुल सही, रिजर्व को गुल्लक कहते हैं, बट ये बताइए टोटल कितने रिजर्व्स थे? वेरी गुड, वेरी गुड ध्रुव, साक्षी, तन्वी। टोटल रिजर्व्स हमने लिखवाए थे पांच रिजर्व्स लिखवाए थे। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था वो क्या क्या थे, उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी हमने बात करी थी आपसे। हमने आपसे कहा था कि आपके सामने पेपर में दो तरह से क्वेश्चंस आएंगे, बस खत्म, यही हल्का सा रिवीजन कराना था मुझे आपको। दो तरह से क्वेश्चंस आएंगे, या तो क्वेश्चन में बोलेंगे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी सर ये जो रिजर्व्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, या दूसरा आएगा इनको डिस्ट्रीब्यूट मत करो, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है पेपर में क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट का है या नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूट का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं तोड़ दो, ब्रेक। एक और भी नाम था, पार्टनर्स, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनर्स वांट, पार्टनर्स चाहते हैं, डू नॉट शो रिजर्व्स। पार्टनर्स चाहते हैं रिजर्व्स को नहीं दिखाना, डू नॉट शो। अगर नहीं दिखाना इसका मतलब गुल्लक को तोड़ दो। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या तोड़ेंगे, या पार्टनर्स वांट डू नॉट शो रिजर्व्स। यहां पे पार्टनर्स चाहते हैं वांट टू शो रिजर्व्स, पार्टनर्स चाहते हैं रिजर्व्स को दिखाना, इसका मतलब यहां पे वो चाहते हैं रिजर्व्स को दिखाना। तो दो तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी है। अगर ये दिया हुआ है तोड़ने के लिए दिया हुआ है, ज्यादातर चांसेस तोड़ने के लिए आते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया है तो आप कौन सी रेशियो में तोड़ेंगे, ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में ब्रेक करेंगे, ओल्ड रेशियो में। बट अगर मना कर रहे हैं डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, तो इसमें आप करते क्या है, इसके अंदर आप करते हैं एक एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करते हैं हम, एडजस्टमेंट एंट्री। वेरी गुड संभव, और एडजस्टमेंट एंट्री क्या थी, एडजस्टमेंट एंट्री थी G2S। जी का मतलब होता है जिस पार्टनर को गेन हुआ है वो डेबिट होगा, और एस का मतलब जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है। तो ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री। और इस एंट्री पता कैसे चलेगी, इसके लिए हमें कौन सी रेशियो निकालनी पड़ती है, हमें निकालनी पड़ती है सेक्रीफाइजिंग रेशियो। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला था, ओल्ड माइनस न्यू। जी ये मैंने आपको लास्ट क्लास का रिवीजन करा दिया। जो रिजर्व्स का ट्रीटमेंट था उसी को आगे लेके चलते हैं आज की क्लास में, और हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। मैं ऐसा करता हूं आपको बेटा, अभी अभी आप सब बच्चों के स्कूल का पेपर है, जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी पेपर हुआ था ये वाला, इसमें कुछ क्वेश्चंस थे वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ साथ साथ, जिससे आपकी एकदम प्रैक्टिस हो जाए। चलिए एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है।
ये आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर है 12। पहले एक बार देख लेते हैं कितने पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। चलिए 90 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। आइए जरा आराम से देखते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बहुत ध्यान से देखना और आप बच्चे आंसर देंगे। क्लियर नहीं दिख रहा, चलिए मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं। ये लीजिए दोस्तों क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे। बैलेंस इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बेटा रिजर्व के अंदर बैलेंस कितना दिया हुआ है? 25,000। याद रखना सर, गुल्लक में बैलेंस है 25,000। क्लेम, वर्कर को चोट लगी, धीरे धीरे। क्लेम, वर्कर मांग रहा है 35,000 जी। गुल्लक में थे 25,000, वर्कर मांग रहा है 35,000। आपको अपनी पॉकेट से कितने पैसे देने पड़ेंगे? जल्दी से बताइए फटाफट एवरीवन। आपको अपनी पॉकेट से कितने पैसे देने पड़ेंगे? 10,000 रुपए, और वो 10,000 आपका लॉस हो गया। 10,000 आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे और वो 10,000 आपके लिए क्या हो गया? लॉस। और लॉस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। बेटा लॉस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। पॉकेट का नाम क्या है? पॉकेट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट करेंगे कौन से अकाउंट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सो करेक्ट आंसर इज सी। वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों ने सही रिप्लाई दिया है। बेटा लॉस है इसलिए रीवैल्यूएशन में आया है, अगर प्रॉफिट होता तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट में आता। चलिए एक ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से मैंने आपको कहा था कंफर्म क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको करा रहा हूं, बस आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक और चलते हैं जरा। ये बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। यहां मेरे साथ साथ पढ़ना, प्रॉफिट हो या लॉस हो रीवैल्यूएशन का। मैंने आपको बताया रीवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट भी आता है लॉस भी आता है, बट ये रीवैल्यूएशन हम किस रेशो में ट्रांसफर करते हैं? हमने आपको बताया था दोस्तों रीवैल्यूएशन का भी जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है किस रेशो में ट्रांसफर करते हैं, तो आंसर आता है इसका ओल्ड रेशो। कौन सी रेशो में ट्रांसफर करते हैं हमेशा? ओल्ड रेशो। ये भी बात मैं आपको बता चुका हूं, ओल्ड रेशो में कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। कोई भी लॉस हो रीवैल्यूएशन का हमेशा ओल्ड रेशो में बढ़ता है। एक क्वेश्चन और अच्छा था जहां पे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये रहा वो क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, फिर हम चलेंगे अपने आज की क्लास में। मुझे क्वेश्चंस कराने हैं आपको। बेटा बच्चों फटाफट ज्वाइन कर लिया करो, 94 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 आराम से चलते हैं, जरा क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। From the beginning, spelling mistake है, from the beginning of year 3 partners थे, नीरज, शशि और गौरव are partners in the ratio 4:3:1। आराम से मेरे साथ साथ बेटा क्वेश्चन के साथ साथ आप लिखना सीखें, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ा है उतना लिखें। तीन पार्टनर्स है नीरज, शशि और गौरव, और इनकी रेशो दे रखी है 4:3:1। कौन सी रेशो होती है? ये ओल्ड रेशो। नीरज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से पढ़ेंगे, नीरज शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटिंग टू ₹2,00,000। ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये किसका प्रॉफिट है? नीरज का। यानी सर नीरज का प्रॉफिट दिया हुआ है ₹2,00,000। नीरज का दिया है 2,00,000। आपको निकालना है गौरव का प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट निकालना है।
अब बहुत आसान है अगर मैं आपको सिंपल मैथ्स बताऊं बेटा। चार टॉफी हमने बचपन में पढ़ा था, टॉफी सिस्टम। चार टॉफी 2 लाख की हैं, मैं यहां लिख देता हूं, चार टॉफी 2 लाख रुपए की हैं, तो आप बता सकते हो एक टॉफी कितने की आएगी। एक टॉफी आएगी, 4 से डिवाइड कर दो तो एक टॉफी आएगी 50,000 रुपए। अब आपसे पूछा जाए 3 टॉफी कितने की आएंगे, एक टॉफी 50,000 की है तो 3 टॉफी कितने की आएंगी। अब कोई भी बच्चा बता देगा 3 टॉफी आएंगी 150 की। एक टॉफी कितने की है, एक टॉफी है 50,000 की। तो करेक्ट आंसर उन्होंने ये पूछा था, तो गौरव का शेयर कितना है, 50,000। बेटा 15,000 नहीं है, 50,000 है, ट्विंकल ध्यान से, 50,000। आज मुझे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है जिससे हमारे 5 नंबर पक्के हो जाएं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर 3 क्वेश्चंस बताए थे जिनके पेपर में कंफर्म चांसेस हैं, यानी 3 मार्क्स ये पक्के हो गए। सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन बताए थे, ये 5 नंबर आपके पक्के हो गए। थर्ड क्लास में मैं इनके क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, यानी मैं इनका रिवीजन कराऊंगा जिससे आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएं, और अगर टाइम बचा तो हम आगे बताएंगे। बेटा याद रखना टोटल पार्टनरशिप कितने मार्क्स की है, जल्दी से बताइए टोटल पार्टनरशिप कितने मार्क्स की है, धीरे धीरे करके। वेरी गुड ध्रुव। बेटा पार्टनरशिप कितने मार्क्स की है, हमें स्मार्ट काम करना है, स्मार्ट काम करेंगे आप सब बच्चे मेरे साथ। 18 मार्क्स की पार्टनरशिप है, 18 में से 5 हमारे कवर हो गए। धीरे धीरे करके पूरा मैं आपको इस पे होल्ड बना दूंगा। चलिए इतनी बात समझ आ गई, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट खत्म, और इसके अंदर कोई और क्वेश्चन दिया नहीं है रिजर्व का, अदरवाइज हम वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते। एक बार फटाफट देख लेते हैं जी, रिजर्व का क्वेश्चन इसके अंदर नहीं दिया हुआ। चलिए बेटा बस सिंपल करना है, 4 के बदले 2 लाख क्वेश्चन में गिवन था, तो 4 टॉफी 2 लाख की हैं, तो एक टॉफी निकाल लें, बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड है। एक टॉफी निकालेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा। दोस्तों आपसे मैं एक बार, अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो मेरी क्लास का, अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो मेरी क्लास का, दोस्तों हमारे पास लिमिट है कि हम 1 आवर की क्लास ही ले पाते हैं आपकी, क्योंकि आपकी बाकी सारी क्लासेस भी होती हैं। इसलिए अगर मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो आपको मैं बता दूं, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब भी कर रखा है वो प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं छोटी छोटी सी वीडियोस जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आने हैं, 15-15 मिनट की वीडियोस मैं पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। पर जिन बच्चों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो 15 मिनट्स की शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे आपको। बेटा मैक्सिमम बेनिफिट ले लो, बाद में चाहेंगे तो आप अनसब्सक्राइब कर देना YouTube चैनल, अभी आपके बस मार्क्स जरूरी है। बाद में बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये वीडियो कहाँ है, प्लीज मुझे वीडियो भेज दीजिए, सीधा YouTube पे मिलेंगी आपको चीजें। आगे चलते हैं, आगे हम आपके साथ और क्या डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये क्या होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। पहले तो मैं ये बता दूं इनका ट्रीटमेंट, पहले ट्रीटमेंट देखें, मैंने बहुत आसानी से लिख दिया सेम एज रिजर्व्स। लो जी खत्म। जैसे पीछे अभी रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बताया था, गुल्लक का ट्रीटमेंट,
वैसे ही किसका ट्रीटमेंट आप करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, सेम ट्रीटमेंट है। अब सर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? बेटा ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट्स कहाँ आते हैं? प्रॉफिट्स आते हैं क्रेडिट साइड में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था यहाँ पे रिजर्व्स भी मिलते हैं आपको, बट अब रिजर्व्स की बात नहीं करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट्स की। दोस्तों यहाँ पे लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब आप समझ जाना ये कौन सा अकाउंट है, ये क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट, ये प्रॉफिट दिया हुआ है। जब भी पी एंड एल अकाउंट यहां लिखा होगा क्रेडिट साइड में, तो इसे क्या मानते हैं? प्रॉफिट। एक और इसका नाम है, ये नाम यूज होता है इकोनॉमिक्स में, बट आप सब बच्चे लास्ट टाइम चल रहा है और सीबीएसई का कुछ नहीं पता, इसलिए हम इसको भी याद कर लेते हैं। इसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक है पी एंड एल, दूसरा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक और नाम है, ये होता है बिजनेस स्टडी के अंदर यूज, रिटेन्ड अर्निंग्स। आपको अकाउंट्स भी पता होना चाहिए और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी भी। यस वेरी गुड रतनदीप, वेरी गुड निर्मल। पी एंड एल अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और क्या दिया हुआ? रिटेन्ड अर्निंग्स। तो देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट्स कितने हैं? तीन टोटल प्रॉफिट्स हैं। तीन, पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फिर है रिटेन्ड अर्निंग। करना क्या है? सेम ट्रीटमेंट जैसे आपने रिजर्व का किया था। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने बेटा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और बैलेंस शीट के अंदर ये बात याद रखेंगे कि एक क्रेडिट साइड होती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, और इनकी रेशियो है 1:1, ओल्ड रेशो। इन्होंने अपनी रेशो चेंज करी 3:2, ये हो गई न्यू रेशो। क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा, फिर लिखा होगा पी एंड एल अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। अब आपको समझ आना चाहिए क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब है। क्रेडिट बैलेंस का प्रॉफिट है या लॉस है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट रिप्लाई करो। 99 स्टूडेंट्स हो गए हैं और 100 की लिमिट रहेगी आज, जल्दी से बताइए बेटा। क्रेडिट का मतलब आप क्या समझते हो? क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है? फटाफट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट। इट मीन्स पेपर के अंदर आपको प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है, पी एंड एल का प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है। छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। पी एंड एल का बैलेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं 10,000, ये रहा क्वेश्चन। तो अब आपको बैलेंस शीट खुद बनानी है, पेपर में नहीं आएगी बैलेंस शीट। क्रेडिट का मतलब आप यहां लिखेंगे 10,000, ये आपको खुद बनानी पड़ेगी 10,000। अब इसका ट्रीटमेंट नीचे लिखा है केस नंबर 1, सुनना जरा क्या लिखा है। पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट पी एंड एल। इसके अंदर एक वर्ड ऐसा है जो आपको हेल्प कर देगा। पार्टनर्स चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तोड़ना, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जल्दी बताओ जब भी हम कोई चीज तोड़ेंगे कौन सी रेशो में तोड़ते हैं? बस गलत नहीं करना आपको, कौन सी रेशो में तोड़ते हैं? ओल्ड रेशो। और तोड़ने का तरीका बड़ा आसान है, इसका आंसर बहुत आसान तरीका है। पी एंड एल हो क्या रहा है? पी एंड एल हो रहा है क्रेडिट, जो मैंने पहले बताया था वही करना है। पी एंड एल क्रेडिट हो रहा है और आप कह रहे हो सर इसको तोड़ दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ब्रेक।
आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जो चीज क्रेडिट हो रही है, अगर मुझे उसको तोड़ना है, मुझे उसको तोड़ना है तो मैं क्या करूंगा? मैं कर दूंगा डेबिट, टूट गया, 10,000 रुपए से टूट गया, और पार्टनर्स में बांट दूंगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो थी 1:1, खत्म कहानी। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, 5,000 5,000, ये रहा क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा और आपको बैलेंस शीट, आई रिपीट, खुद बनानी पड़ेगी। तो तीन प्रॉफिट्स हैं, इस बात का ध्यान रखना। केस नंबर टू, क्वेश्चन सेम है, केस नंबर टू। केस नंबर टू में क्या लिखा है? दो ही केसेस पॉसिबल हैं आपके एग्जाम में। पार्टनर्स वॉन्ट्स टू शो, बेटा दो ही केस हैं, अब आप खुद समझदार हो। अगर पहला केस डिस्ट्रीब्यूट का है तो दूसरा केस कौन सा होगा? नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर्स वॉन्ट टू शो P&L इन न्यू बैलेंस शीट। इंग्लिश बहुत ध्यान से पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा क्या लिखा है। पार्टनर्स चाहते हैं शो, दिखाना, बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। इसका साफ मतलब है नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट। और अगर नहीं करना इस केस में, वेरी गुड संभव, बेटा इस केस में अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो जल्दी से एंट्री बताइए मुझे, एंट्री बताइए, एंट्री क्या होती थी? नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, जल्दी से फटाफट बेटा एवरीवन, इस केस के अंदर हम एंट्री क्या करते थे? हम एंट्री करते थे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये हमारी एंट्री होती थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और इसके लिए हमें कौन सी रेशियो चाहिए होती थी? सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो फटाफट देख लेते हैं, अगर आप बच्चों को याद है सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू। एक था एक्स, दूसरा था वाई। बेटा अगर ओल्ड रेशियो याद हो आपको तो ओल्ड रेशियो थी 1:1, न्यू रेशो थी 3:2। तो फटाफट देखते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है। एलसीएम 10 LCM दोस्तों माइनस में आ रहा है। क्या कहते हो माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब इसे हुआ गेन। और इसके अंदर देखते हैं 10 LCM ये आ रहा है प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस। और ये रही एंट्री। चलिए मेरी जल्दी से हेल्प करिए, गेन किसे हुआ है? गेन, गेन हुआ है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सेक्रीफाइस किसे हुआ है? सेक्रीफाइस हुआ है वाइस कैपिटल अकाउंट। तो गेन टू सेक्रीफाइस की एंट्री हो गई। और अमाउंट कैसे निकालते हैं? पीछे अमाउंट दिया हुआ था P&L का 10,000, बस आपने शेयर निकालना है। शेयर कितना था? 1/10, 1,000 1,000, बस कहानी खत्म। दोस्तों यही करना है बार बार, पेपर में क्वेश्चंस कंफर्म आएंगे तो पूरी प्रैक्टिस कर लें इसके अंदर। चलिए पहले मुझे बताइए, 1 मिनट का आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं दोस्तों, एनी डाउट्स इन दिस जो अभी तक पढ़ाया है? बेटा 5 नंबर हाथ से जाने नहीं चाहिए, जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स? ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, एनी डाउट्स? बेटा किसी भी बच्चे को डाउट्स है तो फटाफट मैसेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा फिर। जल्दी से बेटा सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि मैं इसके बाद चलने जा रहा हूं नेक्स्ट ट्रीटमेंट पर। जल्दी से बताएंगे फटाफट बेटा, आई एम वेटिंग, एनी डाउट्स किसी भी बच्चे को? एनी डाउट्स?
चलिए, डाउट्स ऑल किसी भी बच्चे को नहीं है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। 110 कैसे आया बेटा? 110 ये रहा उसका शेयर, ये रहा 110, इसलिए मैंने 110 निकाला था यहां से। 10,000 था उसका, 110 निकाल लिया, खत्म। एक क्वेश्चन आप सब बच्चों के लिए, अब देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा पहले सॉल्व करके दिखाएगा, सीधा नेट आंसर बताएंगे बेटा, नेट आंसर। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए है। इनकी रेशियो दे रखी है 5:4:1, ये है इनकी ओल्ड रेशियो। बाद में इन्होंने अपनी रेशियो डिसाइड करी 3:4, ये कौन सी रेशियो हो गई? ये हो गई न्यू रेशियो, और ये रही बैलेंस शीट। मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं, पेपर में बैलेंस शीट नहीं आएगी, पेपर में लिखा होगा, लिखा होगा कि क्रेडिट बैलेंस है, तो आप समझ जाना क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है। और यहां लिखा हुआ है एक जनरल रिजर्व, कुछ भी हो सकता है, P&L भी हो सकता है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व है 40,000 का, 40,000 का जनरल रिजर्व है। क्वेश्चन में लिखा है पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, बेटा गलत नहीं करना, एडजस्टमेंट एंट्री लिखा है, बहुत ध्यान से सुन लो, एडजस्टमेंट एंट्री लिखा है। और क्वेश्चन में लिखा है आपको सिर्फ बताना है जेड का शेयर, ये है आपके लिए क्वेश्चन, जेड का शेयर। मैं वेट कर रहा हूं आप सब बच्चों का क्या आंसर आता है। चलिए फटाफट जेड का शेयर, बड़ी जल्दी निकाल दिया बेटा, 2-3 बच्चों ने, संभव, संजना, भावना, लतन्या, बड़ी जल्दी से बताइए जेड का शेयर। और आपको ये भी बताना पड़ेगा जेड का शेयर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, फटाफट। मनीष, हेमंत गुप्ता, वेरी गुड बेटा, आप सब बच्चों को ये बातें समझ आ गई हैं, इसका मतलब, इसका मतलब आपका स्कूल में भी आपको क्लियर है। वेरी गुड एवरीवन, साक्षी तिवारी, स्कूल में भी क्लियर है और आपको हमारी तरफ से भी थोड़ा सा हेल्प मिल गई। चलिए 5 नंबर तो मुझे लगता है आपके हाथ में आ गए जी, जल्दी से बताइए। वेरी गुड रतनदीप, निर्मल, पूजा, अंशु, गुलशन, सब बच्चों को पता है। कह रहे हैं सर सबसे पहले, बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार फटाफट आप भी सॉल्व कर दो ओल्ड माइनस न्यू। मैंने सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्यों यूज करी? बिकॉज पेपर में क्या पूछा था, एडजस्टमेंट एंट्री, सिर्फ जेड की निकालेंगे। ओल्ड रेशियो थी 1:10, न्यू रेशियो थी 4:10, इसका मतलब माइनस में आ रहा है, माइनस में 3:10, और माइनस का मतलब होता है गेन। और एंट्री क्या थी? एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, इसका मतलब जो गेन होगा उसे क्या होगा, डेबिट। तो एक बात तो क्लियर है कि जेड को क्या होगा, डेबिट। अब शेयर निकालते हैं, इसका शेयर कितना है 3:10, रिजर्व कितना है 40,000, 40,000 का 3:10, सारे बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट आया है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, किसी का भी आंसर गलत नहीं है, वेरी गुड एवरीवन। गुलशन यादव, तो बिल्कुल बेसिक चीजों पे चलना है, ट्रीटमेंट सेम है, रिजर्व्स का, प्रॉफिट का ट्रीटमेंट सेम है। अब चलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी खत्म, और अब चलते हैं लॉसेस पर। वेरी गुड एवरीवन, बस बेटा क्लासेस अटेंड करते रहो, जिन बच्चों की क्लासेस मिस हो जाती हैं वो यूट्यूब पे एक बार रिवाइज करेंगे, और उसके बाद फिर आने दो बोर्ड का पेपर, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूमुलेटेड, अब चल रहा है लॉसेस,
अब लॉसेस की बात हो रही है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पहला क्वेश्चन ये सर, ये लॉसेस आपने कहा था जितने भी लॉसेस होते हैं वो सारे के सारे लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। सर ये लॉसेस कहाँ पाए जाते हैं? बेटा ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? बैलेंस शीट के अंदर। और मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, पेपर में दोस्तों बैलेंस शीट नहीं आएगी। बैलेंस शीट आपको खुद ड्रॉ करनी है, ये आसान तरीका है। ये वाली साइड होती है लाइबिलिटी साइड, ये वाली साइड होती है असेट साइड। जल्दी से बताइए डेबिट साइड कौन सी है? बेटा इसमें से डेबिट साइड कौन सी होती है, ये वाली है या ये वाली है? बच्चे कह रहे हैं सर ये वाली है डेबिट। ये डेबिट साइड होती है, और ये कौन सी साइड होती है? क्रेडिट। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको अभी तक पढ़ाया कि सर यहाँ पे रिजर्व्स आते हैं। टोटल कितने रिजर्व्स थे? टोटल रिजर्व्स थे 5। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी आते हैं। कितने प्रॉफिट्स थे? 3। 3 प्रॉफिट्स थे, टोटल थे 8। बेटा याद रखना, शॉर्ट में बात करूंगा आप सब बच्चों से, बोलूंगा 8 आइटम, आपके दिमाग में 8 आइटम याद आनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं लॉसेस की। पहला लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब सर अगर P&L डेबिट में दिया हुआ है, दैट मींस वो क्या है? दैट मींस वो लॉस है। आपको समझ आना चाहिए P&L डेबिट का मतलब वो क्या है? लॉस है। दूसरा दूसरा बताते हैं ये एडवर्टीजमेंट। दोस्तों दूसरा बताएंगे ये एडवर्टीजमेंट के ऊपर कोई भी एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा बताते हैं, ये 3 ही होते हैं, तीसरा बताएंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस एक्सपेंडिचर। बस 3 है ये। इसका मतलब 5 ये हैं, 3 प्रॉफिट्स हैं, और 3 ही क्या हैं? 3 ही लॉसेस हैं। बस कहानी खत्म। बेटा एक बच्चे का एक कॉमन डाउट आया है, सर बैलेंस शीट के अंदर हमारे स्कूल में बताया गया कि डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। बेटा आपके स्कूल में और बाकी ट्यूशन सेंटर्स में सही पढ़ाया जा रहा है, बैलेंस शीट के अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। बट मैं आपको बता दूं, दिस इज द इजिएस्ट वे। मुझे भी पता है डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बट दिस इज द इजिएस्ट वे जिसे आप बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि ये वाली साइड क्रेडिट है और ये वाली साइड क्या है? डेबिट। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। मान लेते हैं ये दिया हुआ है 20,000, ये दिया हुआ है 20,000। पार्टनर्स का नाम है P और Q, उनकी रेशियो है 3:2। कौन सी रेशियो हुई है? ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन में बोला गया डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्वेश्चन में बोला गया है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको खत्म करो। खत्म करने को बोलते हैं ब्रेक करना, राइट ऑफ करना, खत्म करो। बेटा जरा जल्दी से खत्म करके बताओ ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है डेबिट। अब कैसे खत्म करूं? डेबिट हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। इसलिए मैंने आपको बताया कि सर डेबिट का क्या मतलब होता है, जो चीज डेबिट है इसे खत्म करना है तो क्रेडिट कर दो। और ये तो आप सब बच्चों को पता है हमेशा कौन सी रेशो में खत्म करते हैं? ओल्ड रेशो में। ऊपर किसका नाम आएगा? ऊपर नाम आ जाएगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ओल्ड रेशो थी 3:2, 3:2 थी ओल्ड रेशो, मैंने खत्म कर दिया। कितना कितना आएगा? 5 से डिवाइड करेंगे 4,000, 12,000। लो जी खत्म। तो डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आता है, सेम ट्रीटमेंट है, कुछ नया नहीं। 12,000, 8,000। बेटा आपसे पेपर में सीधा पूछेंगे क्यू का शेयर बताओ,
सीधा पूछेंगे क्यू का शेयर बताओ, और ये भी पूछेंगे कि क्यू डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना पूछा क्या गया है। बेटा जल्दीबाजी में मत करना, पूरी एंट्री नहीं पूछेंगे, सिर्फ एक फिगर पूछेंगे। तो लॉजिकली सोचना, ये डेबिट होता है तो आपको क्रेडिट, बैलेंस शीट खुद बना लेना, आपको रफ पेपर भी मिलेंगे। रफ पेपर का मैक्सिमम यूज करना। अब दूसरा केस, और यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरा केस है एडजस्टमेंट एंट्री। अब सर यहां पे एक दिक्कत है, कुछ बच्चों को समझ आ जाएगी, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगी। अभी तक जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अभी तक हमने एंट्री पढ़ी थी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, बट दोस्तों वो एंट्री हमने इस चीजों के लिए पढ़ी थी। ये सारे क्या होते हैं? प्रॉफिट्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का मतलब प्लस। प्रॉफिट्स हैं, इसीलिए हम एंट्री पास करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। प्रॉफिट्स हैं इसीलिए हम क्या एंट्री पास करते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बट दोस्तों ये प्रॉफिट्स नहीं है, ये क्या है? ये लॉसेस हैं, लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं। लॉसेस और एक्सपेंसेस प्लस नहीं होते, माइनस होते हैं। इसका मतलब छोटा सा चेंज करना है। ये एंट्री प्रॉफिट्स में चलती है। अगर लॉसेस आ जाएं तो एंट्री को कुछ नहीं करना दोस्तों, घुमा देना, एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइस टू गेन। बस बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं बेटा। सिंपल एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइस टू गेन। नॉर्मल एंट्री कब होती थी? प्रॉफिट्स के लिए। बट अगर लॉसेस हैं, ये लॉसेस हैं, तो लॉसेस के अंदर एंट्री को रिवर्स कर देना, छोटी सी बात है, सेक्रीफाइस टू गेन, बस खत्म। और अगर मैं आपको बता देता हूं इनकी रेशो है, ये है इनकी न्यू रेशो, तो आपको पता है एडजस्टमेंट एंट्री। पहले तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सेक्रीफाइसिंग रेशो का, और एंट्री कौन सी करूंगा? सेक्रीफाइस टू गेन। चलिए जल्दी से बताइए, पी पी का शेयर था 3/5 माइनस 2/5, इसका मतलब इसे 1/5 का क्या हुआ है? सेक्रीफाइस। और आपने कहा है सेक्रीफाइस ऊपर आएगा। बेटा सेक्रीफाइस ऊपर आएगा यानी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, खत्म। पी ऊपर आएगा पक्का। क्यू को क्या होगा? क्यू को डेफिनेटली गेन होगा, तो क्यू कैपिटल अकाउंट नीचे आएगा। और मैंने एंट्री रिवर्स क्यों करी है? बिकॉज हमारे पास क्या दिया हुआ है? लॉस दिया हुआ है बेटा, लॉस दिया हुआ है, इसलिए हमने एंट्री रिवर्स कर दी। जरा जल्दी से देखें इसका शेयर कितना आया, 1/5। 1/5 शेयर था और टोटल अमाउंट था 20,000। नेट अमाउंट कितना आ गया? 4,000। बेटा बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं और बहुत आसानी से रिवीजन करा रहा हूं, छोटी छोटी सी बातें हैं, बट एक कंडीशन है आपको दोस्तों, क्लास के बाद इसको जरूर रिवाइज किया करो। जो यूट्यूब में वीडियो है उसको जरूर रिवाइज करो, दो बार करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बिकॉज एग्जाम्स बहुत नियर है। ऐसा नहीं कि एक बार करा बस खत्म, दो बार एटलीस्ट ट्राई करो। तो ये मैंने आपको सारा का सारा ट्रीटमेंट बता दिया, प्रॉफिट और लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है, हमें किस तरह से एंट्रीज करनी है। बेटा रिवीजन यूट्यूब से कर लें आप, एटलीस्ट दो बार करेंगे तो ये बात याद रहेगी कि हाँ सर यहाँ पे उल्टा क्यों होता है। जी तो ये हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो चुका है, और मैं आपसे आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिकॉज आपकी शायद 10 बजे और भी क्लासेस होंगी। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और आप सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। पार्टनर्स के नाम हैं ए बी सी, इनकी रेशो है 4:5:1, ये हो गई इनकी ओल्ड रेशो। उसके बाद
न्यू रेशियो है 1:1:2, ये हो गई इनकी न्यू रेशियो। पहले तो ये बताइए किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है और किस पार्टनर को गेन हुआ है। जल्दी जल्दी आप मेरे से आगे चलेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। जल्दी से बताइए ए बी सी, किसे गेन हुआ है और किसे सेक्रीफाइस हुआ है। 4:10 ये आएगा, 5:10, 1:10 माइनस 1:4 माइनस 1:4 माइनस 2:4। जी 10 और 4 के अंदर एलसीएम आता है 20, तो ये हो गया 8, 8 माइनस 5। बेटा चेक करेंगे जरा अपने अपने आंसर। बच्चे कह रहे हैं सर सी को गेन होगा, 20 एलसीएम, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, 5:20। यहां चलते हैं 20 एलसीएम, 10 20s are 10, 2s are 20, यानी ये हो गया 2 रुपीस, और 4 5s are 10। दोस्तों ये आ रहा है -8, और आप सब बच्चों ने बिल्कुल सही बताया सर सी को हो रहा है गेन, ए को हो रहा है सेक्रीफाइस, और बी को भी क्या हो रहा है सेक्रीफाइस। याद करो मैंने आपको बताया था जितना सेक्रीफाइस होता है, टोटल 8 रुपए का सेक्रीफाइस है, उतना ही गेन होता है, 8 रुपए का हो गया गेन। अब उन्होंने सीबीएसई ने आपको तीन तीन वेरिएबल्स दे रखे हैं बेटा, तीन तीन वेरिएबल्स दे रखे हैं। ये वाली साइड मैं लिख देता हूं क्रेडिट साइड, ये वाली साइड डेबिट साइड। इन्होंने यहां दिया हुआ है एक कॉन्टिंजेंसी रिजर्व 40,000 रुपए, एक दिया है कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, एक दिया है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आपको बस याद रखना है कौन सी चीज कहाँ आती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस शीट नहीं आएगी पेपर में, फिगर्स आएंगी, आपको बैलेंस शीट में ठीक जगह पोस्ट करना है। ये दिया हुआ है 10,000, यहां पे लिखा है पीएनएल। पहले ये बताइए इस पीएनएल का मतलब प्रॉफिट है या लॉस है। बेटा पहले तो मुझे ये बताओ इस पीएनएल का मतलब प्रॉफिट है या लॉस है, इतना समझ आए बच्चों को। बेटा लॉस होता है, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, लॉस है, वेरी गुड। और नीचे ये तीन तीन फिगर दे रखे हैं, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट और लॉसेस, तीन तीन रिजर्व दे रखे हैं, तीन तीन पॉइंट्स दे रखे हैं। और नीचे उन्होंने बोला पास एडजस्टमेंट एंट्री, और आगे एक और बात लिख दी पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी है, एक। अब सर तीन वेरिएबल है, एंट्री एक पास करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा। अब कैसे प्लस करेंगे, क्योंकि एंट्री एक है। आपको मैंने अभी अभी बताया था ये सारे प्रॉफिट्स होते हैं, ये सारे प्रॉफिट्स हैं, और ये क्या है दोस्तों, ये लॉसेस हैं, ये सारे क्या हैं, लॉसेस हैं। तो क्या आप मुझे नेट अमाउंट बता सकते हो, नेट अमाउंट, नेट अमाउंट कितना आएगा, क्योंकि एक एंट्री पास करनी है, ये प्रॉफिट है 40 और 10, 50,000 माइनस 20,000, तो नेट आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, नेट आंसर कितना आएगा 30,000। तो आपको दोस्तों ये समझ आना चाहिए नेट क्यों निकाला, निकाला क्यों, तीन वेरिएबल्स हैं, एंट्री एक पास करनी है, इसलिए मुझे एक ही अमाउंट चाहिए, और वो अमाउंट कैसे आ रहा है पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव में आता है तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बेटा पॉजिटिव में आता है तो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और अगर ये नेगेटिव में होता, लगा लो दिमाग जल्दी से, अगर ये नेगेटिव में आता
तो एंट्री क्या होती? एंट्री होती सेक्रीफाइस टू गेन। बेटा अगर ये नेगेटिव में आता आंसर प्लस माइनस करके, तो एंट्री होती सेक्रीफाइस टू गेन। अभी पॉजिटिव है इसलिए एंट्री हुई है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये नेट आंसर है। फटाफट एंट्री करते हैं, गेन किसे हुआ है? सी को, यानी सी का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट टू, ए का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट टू, बी का कैपिटल अकाउंट भी होगा क्रेडिट। एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब जरा अमाउंट देखते हैं, सी का अमाउंट, सी का अमाउंट था 8/20। बेटा आराम से देख लो, कुछ बच्चों को अमाउंट निकालना नहीं आता 8/20। नेट आंसर था 30,000। जी कितना हुआ? 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1500। बच्चों ने बता भी दिया 1500 × 8। दोस्तों ये आ रहा है 12,000। वेरी गुड बेटा, कुछ बच्चों ने सॉल्व भी कर दिया। ए के बारे में बात करते हैं, ए के बारे में। ए का शेयर था 3/20। मैं इसलिए स्लो स्लो चल रहा हूं जिससे जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो बच्चे आराम से समझ लें। तो ये आएगा 4500 और लास्ट वाला आएगा 7500। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा मुझे पता है आप सब बच्चों की क्लास है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, टाटा बाय बाय। बेटा 5 नंबर पक्के। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। साईं विनायक अकाउंट्स क्लासेस, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।